क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आठ चीजों के बारे में, आठ इन्वेस्टमेंट के बारे में, और उन आठ इन्वेस्टमेंट्स को हम पांच चीजों पे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वो आठ इन्वेस्टमेंट्स हैं। एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड, REIT एंड लास्ट में गोल्ड के बारे में। इन आठ चीजों पे हम बात करेंगे और इन आठ चीजों को समझेंगे और किन पांच हम स्केल्स पे इनको मेजर करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि इनमें कितने टाइम पीरियड के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिस्क कितना है किसी चीज में इन्वेस्ट करने में। और थर्ड नंबर पे हम देखेंगे एंट्री बैरियर, मतलब कि एंट्री लेना कितना आसान है। जैसे कि एफडी में आप नॉर्मली बैंक में जाके आप एफडी करवा सकते हो, लेकिन स्टॉक्स लेना इतना आसान नहीं है। आपको पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसी तरह से रियल एस्टेट में आपको पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो अलग अलग तरह से किस तरह से हमें एंट्री लेनी है किस चीज में और कितना आसान है एंट्री लेना, इस बारे में बात करेंगे। और फोर्थ नंबर पे बात करेंगे लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी मतलब आपको जब पैसा चाहिए तो आप कितनी जल्दी उस इन्वेस्टमेंट को पैसे में कन्वर्ट कर लोगे, तो ये चीज। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगती है, रिटर्न की। अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, किस चीज में फायदा है और किस चीज में नुकसान है। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। देखो, आप इस वीडियो के जरिए ना एक ऐसे चौराहे पे खड़े हो जहां से आपको अलग अलग रास्ते दिख रहे हैं। आपको सब पे जाना जरूरी नहीं है, सबके बारे में बहुत डीप नॉलेज लेना जरूरी नहीं है। जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना जरूरी है। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस रास्ते पे जाना है और किस रास्ते पे नहीं जाना, और जिस रास्ते पे नहीं जाना उसके बारे में पूछ के क्या फायदा। इसलिए हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस चीज में इन्वेस्ट करना है और हम उस चीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एफडी से। तो पहले एफडी की बात करें तो एफडी होती क्या है। देखो, एफडी में क्या होता है कि आप एक फिक्स डिपॉजिट, जिसकी बात करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट बैंक को दे देते हो और उस चीज को आपने छेड़ना नहीं है। अब उस अमाउंट को आपने छेड़ना नहीं है, वो आपको एक साल बाद कुछ रिटर्न के साथ आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये तो होती है एफडी कि आपने एक फिक्स अमाउंट बैंक के पास रख दिया, बैंक उसको किसी तरह से मर्जी यूज करे, आपको साल में उसका रिटर्न मिल जाएगा। पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपको एक साल से लेकर पांच साल या उससे भी ज्यादा की एफडीज होती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आ जाए रिस्क, तो रिस्क ऑलमोस्ट जीरो रहता है। और थर्ड नंबर पे आ जाए, थर्ड चीज की बात करें, एंट्री लेना बहुत ही आसान है। आप बैंक में जाइए, बस एफडी करानी है, दो चार जगह साइन करिए, आपको एफडी मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको एफडी के टाइप पता है तो भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। और चौथे नंबर पे लिक्विडिटी, वो भी काफी हाई है। आप जाके साइन करो, आपकी एफडी टूट गई, अगर आप साल से पहले भी निकलवा लेते हो तो आपको थोड़ा बहुत चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप बेनिफिट में ही रहोगे अगर ओवरऑल देखा जाए तो। और लास्ट में बात करें रिटर्न की, तो वो काफी लो होते हैं। लो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न देते हैं और रिस्क भी कम रहता है। तो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन सबसे सेफ, ये कह सकते हो सेफ बहुत ज्यादा है, और आपको रिटर्न 5-7% मिल जाता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और अब बात करते हैं आरडी की। आरडी क्या होता है? देखो, जिस तरह से आपने फिक्स डिपॉजिट एक बार दे दिया ना, आरडी में क्या होता है, आपको हर महीने कुछ ना कुछ, मतलब हर महीने एक पर्टिकुलर रकम आपकी जाती रहती है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए की आरडी कराई, तो आपके हर महीने 1000 रुपए कटते रहेंगे, आपने 1000 रुपए हर महीने। और इसी तरह से बाकी सब चीजें सेम रहती हैं, जिस तरह से एफडी में था, इसी तरह से यहां पे भी आपको बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। टाइम पीरियड की बात करें तो आरडी मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल के लिए होती है। और उसके बाद अगर हम एंट्री लेवल या फिर लिक्विडिटी या रिस्क, वो सब का सब एफडी जैसा ही है। रिस्क की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बात करें एंट्री आप बहुत इजीली ले सकते हो, और लिक्विडिटी भी काफी हाई होती है। आप जब चाहे पैसा निकलवा सकते हो, 6 महीने के बाद आप आराम से पैसा निकलवा सकते हो, 6 महीने से पहले भी निकलवा सकते हो। थोड़े बहुत चार्जेस वगैरह बैंक चार्ज कर सकता है। और लास्ट में बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न एफडी जितना ही होता है, बैंक टू बैंक वेरी करता है कि 5-7% आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि अगर आपके पास पेशेंस है तो इससे अच्छा आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इससे अच्छा क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको लेना थोड़ा सा आसान होता है, एंट्री लेवल थोड़ा सा इजी में मिल जाता है बजाय कि स्टॉक्स के, और रिटर्न भी बाकी सबसे बहुत अच्छा इसका मिल जाता है। तो वैसे भी हम अब पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड एक साल से मिनिमम, बाकी आप लंबा जितना मर्जी होल्ड करे रखो, उतना ज्यादा आपके पास पैसा बनता रहेगा, उतना ज्यादा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। और जितना ज्यादा टाइम पीरियड होल्ड करोगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनता जाएगा, और 15-20 साल तक तो बहुत ज्यादा बन जाएगा अगर आप महीने में 4-5 हजार रुपए भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो लाखों करोड़ों के आसपास पहुंच जाता है अमाउंट। उसके बाद
पहले हमने बता दिया। हाँ, अगर आप एक साल से पहले निकलवाते हो तो आप एक एक्सपेंस रेट लगता है, एक्सपेंस चार्जेस लगते हैं, तो वहां पे हो सकता है आप नुकसान में भी निकाल लो, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ हो तो वो एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते। एक्सपेंस रेशियो वो होता है कि आपको हर साल थोड़ा बहुत एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कम एक्सपेंस रेशियो वाले भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि इसमें रिस्क कितना है। देखो, रिस्क डिपेंड करता है आप कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहे हो, बॉन्ड वाला, डेब्ट वाला, या फिर बहुत से अलग अलग तरह से म्यूचुअल इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, या फिर बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो डिपेंड आप पे करता है। और उसी तरह से फिर रिटर्न वेरी करते हैं कि आपने जो सा लिया है उसी हिसाब से, यानी कि अगर आपने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लिया है तो रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी आपको ज्यादा ही मिलेगा। थर्ड नंबर पे बात करें कि एंट्री लेना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक छोटा सा कोर्स करके या छोटी सी थोड़ी बहुत नॉलेज लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट कभी भी किसी और के कहने पे इन्वेस्ट मत करना कि मैंने आपको अपना बता दिया, मैंने आपको अपने म्यूचुअल फंड बता दिए, या किसी ने भी बता दिए और आपने इन्वेस्ट कर लिया। आपको खुद की भी नॉलेज, आपको खुद की भी रिसर्च करनी है कि कैसे मुझे इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। पेशेंस जरूर रखनी है, यहाँ पे पेशेंस रखोगे तो म्यूचुअल फंड तो बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है। चौथे पे बात करें लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी भी बहुत, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, आप पैसे जब मर्जी चाहे निकलवा सकते हैं, दूसरे तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा मतलब दो तीन दिन को मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, अगर आपने इमरजेंसी फंड अपना बचा के अपने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो दो तीन दिन बहुत ज्यादा नहीं होते, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत इजीली। और लास्ट में बात करें रिटर्न की, देखो रिटर्न वही मैंने आपको पहले बोला था कि रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, रिस्क कितना लेते हो। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप मीडियम या मीडियम से हल्का सा भी ज्यादा आप रिटर्न रिस्क लेते हो तो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं, 12-15% के रिटर्न, उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए तो इतने रिटर्न भी बहुत सही होते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट तो 15-20 साल में तो आप फॉर्मूला लगा के देख लो भाई, 4-5 हजार रुपए ही आपके 20 साल में करोड़ से ऊपर हो जाएंगे अगर आप 4-5 हजार रुपए महीने का लगा रहे हो तो। और अगर आप अभी यंग हो, 30 से कम की एज है आपकी, तो आप हाई रिस्क वाले में लगा सकते हो। हाँ, अगर आप थोड़ी सेफ्टी चाहते हो 30 से ऊपर और चाहते हो थोड़ी सेफ्टी रहे कि हाँ मुझे ये पैसा इसलिए रखना है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो सेफ्टी भी देते हैं, जो वाले डेप्थ वाले या कोई भी जो म्यूचुअल फंड सेफ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो थोड़े से मीडियम रिस्क वाले या फिर लो रिस्क वाले भी होते हैं, तो इन म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं स्टॉक्स की, ये मेरे फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये ना एक अल्कोहल की तरह है, अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा लोगे ना तो ये दवाई की तरह काम करेगा, और अगर इसकी लत लगा लोगे तो ये बर्बाद भी कर देगा। लत लगाने का मतलब ये है कि अगर आप इमोशंस को बहुत ज्यादा इंक्लूड कर रहे हो ना चीजों में कि नहीं मेरे को ये भी लेना है वो भी लेना है, मौका अच्छा है बिना सोचे समझे लेना है, तो ये पक्का आपको डुबोने वाला है एक ना एक दिन। और हाँ, अगर आप सोच समझ के सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करोगे, अच्छी खासी रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूं बहुत, मतलब इतना प्रॉफिट दे देगा ये कि आप उस चीज का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपने नहीं सुना मल्टीबैगर वर्ड नाम, तो मल्टीबैगर का मतलब होता है कि एक 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का हो गया, यानी कि 10 गुना लगा लो उसमें रिटर्न मिला। 10 गुना का मतलब आपने 1 लाख लगाया और वो 10 लाख हो गया, और अगर ये रिटर्न आपको 5 साल में भी मिला तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मल्टीबैगर वो अलग बात है, मल्टीबैगर ढूंढना आसान नहीं है और हम उस चीज के पीछे भाग भी नहीं रहे, ना मैं ये कह रहा भागो, लेकिन एक चीज आप सोच के देखो कि रिटर्न की लिमिट क्या है, कोई लिमिट ही नहीं है, तो ये बताना चाहता हूं मैं। और अगर बात करें टाइम पीरियड, आपने आज लिया, शाम को आपको लगा कि स्टॉक यार अच्छा खासा, जैसे अब मैंने अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने पिछले महीने स्टॉक्स लिए, इस महीने मैंने बेच दिए क्योंकि मुझे 12% का हो गया था, मेरा 12% का टारगेट पूरा हो गया, मैंने बेच दिया। और इसी तरह से आप स्टॉक का बेशक 12% 4 दिन में पूरा हो जाए या साल में पूरा हो, तो आप कभी भी बेच सकते हो, दूसरे तीसरे दिन आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिस्क की। देखो, अगर बिना नॉलेज के इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क इतना ज्यादा है आप सोच भी नहीं सकते। नॉलेज के साथ अगर इन्वेस्ट करोगे कि हाँ आप नॉलेज में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हाँ हो सकता है कि रिस्क आपका हाई या मीडियम लेवल पे रहे, ठीक है। उसके बाद एंट्री लेवल की बात करूं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों कहूंगा, क्योंकि यहां पे आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज और अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। देखो, एक्सपीरियंस तो स्टार्ट करने से ही आएगा, लेकिन नॉलेज तो आपको चाहिए अपना पहला स्टॉक लेने के लिए। चौथे नंबर पे बात करूं क्या किस चीज की, लिक्विडिटी। तो मैंने आपको पहले बताया कि 2-3 दिन में आप पैसे निकलवा सकते हो, जिस तरह से म्यूचुअल फंड में था, इस तरह में इसमें भी आप पैसे आराम से निकलवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट में बात करें रिटर्न, रिटर्न की भी मैं बता चुका हूं, अनलिमिटेड रिटर्न है, कोई इतनी आप मतलब ये नहीं है कि आप एक लिमिट पे रह जाओगे। अगर आप नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न आपको कितने मिल सकते हैं आपको खुद भी नहीं पता होगा। ये
और पांचवें नंबर पर बात करते हैं रियल एस्टेट की। रियल एस्टेट देखो बहुत से मतलब ये क्लासिक इंडियन इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं, मतलब लोग क्या करते हैं, जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है वो जमीन लेके रख लेते हैं कि नहीं यार, मतलब एक तरह से ये क्या है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है ना मोस्टली वही लोग बाय कर लेते हैं, क्योंकि एक उनको आता क्या है, उनको बस ये आता है कि लैंड खरीदनी आती है उनको, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जितना वो पैसा लगा रहे हैं वो रिटर्न कब तक देगा। एक इंसान ने 12-14 लाख रुपए का घर लिया, 15 लाख 10 लाख उस पे बनाने पे लगा दिए 25 लाख रुपए में, उसके बाद वो उसको 15,000 रुपए किराए पे चढ़ा रहा है, ठीक है, या 10,000 रुपए किराए पे चढ़ा रहा है, साल का उसको 1-2 लाख रुपए मिल भी रहा है, तो 10 साल में जाके उसकी वो कैपिटल जितनी थी वो खत्म होगी 10 साल में। तो आप लगा सकते हो कि अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए बहुत ज्यादा, और आपके पास पैसा भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो पहली बात, हम टाइम पे उसी हिसाब से बात करते हैं जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। पहला टाइम पीरियड, इसमें तो आपको अच्छा खासा लंबा टाइम पीरियड चाहिए। अगर आपने आज घर लिया है, बेशक बेचने के लिए लिया हो, तो आपको कम से कम 1-2 साल तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, इसका रिस्क कितना है। रिस्क बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि जमीनों के रेट मोस्टली बढ़ते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, और कम होने की भी बात है, तो अगर कम भी हो जाते हैं तो कम से कम आप पर्टिकुलर वहां उसको बना के किराया तो खा ही सकते हो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे बात करते हैं एंट्री लेवल की। एंट्री लेवल डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं कि पैसा कितना चाहिए और नॉलेज कितनी चाहिए। अब जैसे स्टॉक्स में मैंने कहा था कि आपको नॉलेज बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन आप 100 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा भी अच्छा खासा चाहिए, मतलब 8-10 लाख तो चाहिए चाहिए, और उसके बाद आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि कहाँ घर लेना है, कहाँ रेट बढ़ सकते हैं, तो आपको नॉलेज भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो एंट्री जो बैरियर है वो काफी हाई हो जाता है इससे। और चौथे नंबर पे बात करें लिक्विडिटी की, तो वो भी बहुत लो है। क्यों? क्योंकि आपको अगर उसको जमीन को पैसे में कन्वर्ट करना है, या तो उसी समय हाथों हाथ बेच दो, नुकसान में बिक रही है बेशक, ठीक है, तो आपको पैसा मिल जाएगा, वो भी काफी टाइम बाद, आपको इस प्रोसेस में 15-20 दिन लग सकते हैं। और अगर आपको प्रॉफिट में बेचना है, आप लॉस में चल रहे हो, तो आपको वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी इसका प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आप इतनी जल्दी इस चीज को कन्वर्ट नहीं, क्योंकि बायर ढूंढने में ही आपको बहुत टाइम लग जाएगा। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, रिटर्न कितना है। रिटर्न देखो, रिटर्न बहुत ज्यादा मिल सकता है बोलता हूँ, लेकिन इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत ज्यादा है, कि इतनी ज्यादा नॉलेज चाहिए कि हाँ आप कहाँ खरीदो कहाँ नहीं, और उसके बाद पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। ये चीज आप तब कर सकते हो जब आप 40-42 साल के हो गए हो, आपने अपनी नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्टॉक्स वगैरह से बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब आप चाहते हो सेफ्टी, तो उस समय पे ये चीजें ली जा सकती हैं। और अब बात करते हैं बॉन्ड की। देखो बॉन्ड ना मतलब एक सेफ होता है। सेफ क्यों होता है मैं बताता हूँ, बॉन्ड का आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता देता हूँ कि होते क्या है। देखो बॉन्ड एक तरह से इस तरह से है कि आपने किसी बड़ी कंपनी को या फिर किसी की गवर्नमेंट में पैसा लगा दिया, उनको उधार दे दिया। पैसा लगाना है तो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड है, कि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, प्रॉफिट होगा तो हमें भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं उनसे कोई आउटकम निकले, आपने गवर्नमेंट को उधार दे रखा है, आपने कंपनी को उधार दे रखा है, आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होता है, कंपनी आपसे क्यों उधार लेती है, क्योंकि बैंक उन्हें इतना बड़ा उधार नहीं दे सकता, बैंक उन्हें इतना बड़ा लोन नहीं देता, इसलिए हम लोग लोन देते हैं उनके बॉन्ड खरीद के। अगर हमने किसी के बॉन्ड खरीद लिए तो हमने क्या करा, उस कंपनी को लोन दे दिया। और बड़ी बड़ी कंपनियों को गवर्नमेंट को लोन देना, आप खुद लगा सकते हो कि ये कितना सेफ है। देखो इसके भी अलग अलग फंड होते हैं, तो टाइम पीरियड तो कुछ भी हो सकता है, वही म्यूचुअल फंड वाला हिसाब किताब रहता है, 1 साल से पहले बेचोगे तो थोड़ा सा चार्जेस वगैरह लग जाएंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप बेच जब मर्जी सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करें रिस्क की, तो आपने खुद ही हिसाब लगा सकते हो, यार आप गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो तो इसमें कितना रिस्क है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करूं एंट्री लेवल की, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना कि आपको कौन सा खरीदना है, कौन सा बॉन्ड रिटर्न दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा, या फिर कौन से फंड्स हैं जिसमें बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, एक मीडियम लेवल आप कह सकते हो कि मीडियम लेवल बैरियर है, कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज ही चाहिए, और पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आप कितने से भी 500,000 से भी इन्वेस्ट कर सकते। लिक्विडिटी भी काफी हाई है बॉन्ड में, जिस तरह से म्यूचुअल फंड से जैसे आप बेच सकते हो उस तरह से आप बॉन्ड भी बेच सकते हो, ठीक है। और लास्ट में बात करें रिटर्न की, तो रिटर्न बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, 7-7.5%, इससे ज्यादा तो नहीं मिलता किसी बॉन्ड में, और रिटर्न बहुत ज्यादा है, वही बात है मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलेगा, मोस्टली चीजों में यही होता है, ठीक है ना। हाँ म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मीडियम रिस्क लेके हाई रिटर्न ले सकते हो, अगर आपने पेशेंस रखी हुई है तो।
अब बात करते हैं REIT की। REIT के बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा और मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगा, बाकी अभी इसको इंडिया में बहुत साल नहीं हुए। REIT होता क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कि अगर आपके पास लाखों रुपया नहीं है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन कंपनी इन ट्रस्ट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो आपने इनको 50,000-60,000 रुपए दे दिए और ये आगे क्या करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे और जो रिटर्न प्रॉफिट आएगा वो आपको मिल जाएगा। और इन कंपनियों की अच्छी बात यह है कि ये 90% प्रॉफिट अपना आगे बांट देते हैं, यानी कि 10% ही उन प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या वापस री इन्वेस्ट करते हैं। 90% 80% पैसा आगे बांट दिया जाता है। एक बार के लिए अभी बोले तो रिटर्न अभी हम कैलकुलेट बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। इन्वेस्ट वही बात है, आप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कर सकते हो। रिस्क की बात करें, रिस्क भी बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे बात करें लिक्विडिटी, लिक्विडिटी भी काफी हाई है, आप जब मर्जी जाके पैसा निकलवा सकते हैं। आपने थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, 2-4 दिन में आप पैसा निकलवा सकते हैं। सॉरी मैं एंट्री लेवल भूल गया, एंट्री लेवल की बात करूं एंट्री लेवल मीडियम है। क्यों? क्योंकि आपको देखो नॉलेज भी चाहिए और मिनिमम अमाउंट है ना जो वो 50,000 रुपए है। मेरे हिसाब से 50,000 रुपए अगर बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। पहले ये अमाउंट 2,00,000 रुपए था, अब 50,000 रुपए हो गया है, ठीक है। तो 50,000 रुपए से आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी जगह पे, तो ऑब्वियस ही बात है आपको वो भी इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। और लिक्विडिटी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं रिटर्न की, REIT में रिटर्न कितना होता है। इसमें रिटर्न आपको 8-14% तक मिल जाएगा, जो कि अच्छा रिटर्न है। अगर 12-14% मिल रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ पे, अभी मैं रिकमेंड क्यों नहीं करता, क्योंकि इंडिया में नया नया आया है और 2019 से ही कुछ ट्रस्ट वगैरह शुरू हुई हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास इतना डेटा नहीं है कि आप पिछला काफी ज्यादा स्टडी कर सकें और देख सकें इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। हाँ, आने वाले कुछ सालों में ये एक अच्छा रिटर्न ऑप्शन और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। और लास्ट में बात करते हैं 8वें नंबर पे गोल्ड की। ये सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में इन्वेस्ट की जाने वाली चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे गलत तरीका है, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि अगर आप हार्ड गोल्ड जो आप ज्वेलर पे जाके अगर गोल्ड खरीद रहे हो ना, तो वो आपके लिए मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज के टाइम पे अगर गोल्ड 40,000 का, अगर 10 साल में वो 50,000 का भी हो जाता है तो भी 20% रिटर्न मिला, और अगर 5 साल में भी हो जाता है तो 5 साल में आपको 20% का रिटर्न मिला। लोग देखो इसके साथ, और प्रॉब्लम क्या होती है जब बनवा के लाते हैं तो इसके साथ सेंटिमेंट जुड़े होते हैं, अगर कभी मुसीबत में बेचना पड़ जाए ना तो मतलब वो पैसा काम कम आएगा, दुख ज्यादा होगा कि नहीं यार गोल्ड बेच दिया, ठीक है ना। आपने सुना होगा बहुत सी मूवी में माँ के कंगन बेच के, बहन के चूड़ियां बेच के ये सब आया है, तो ये चीजें थोड़ा सा सेंटीमेंट्स के साथ जुड़ जाती हैं, और जहां इन्वेस्टमेंट और इमोशंस मिल जाते हैं ना वहां नाश होना पक्का है, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर आप हार्ड गोल्ड ले रहे हो तो उसको तो मैं साइड कर देता हूं, उसके बारे में मुझे बात नहीं करनी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे हम गूगल पे के थ्रू ले रहे हैं या गोल्ड के जो बॉन्ड्स वगैरह आते हैं तो वो ले रहे हैं, तो उसमें क्या है, देखो अगर आप नॉर्मली गूगल पे के थ्रू ले रहे हो तो आप सुबह लेकर शाम को भी बेच दो, ठीक है। और लेकिन रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं होता, रिस्क भी लो होता है, रिटर्न भी लो होता है, लिक्विडिटी काफी हाई होती है अगर आप जैसे मैंने पहले बताया था बॉन्ड्स वगैरह में, और अगर गूगल पे या ऑनलाइन जो आजकल जैसे पेटीएम वगैरह गोल्ड वगैरह देने लग गए हैं, तो इनके थ्रू अगर आप लेते हो तो इनके थ्रू तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बेशक आज लेके कल गोल्ड बेच दो, इतना हो जाता है, ठीक है। और एंट्री बैरियर की, एंट्री बैरियर कुछ खास है नहीं, जब आपको पता लगे कि हाँ थोड़ा सा प्राइस डाउन जा रहा है तो खरीद लो, जब आपको लगे कि हाँ प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया है तो उस चीज को बेच दो, बात खत्म हो गई। और अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन 8 ऑप्शन में से आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप किस में इंटरेस्टेड हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इनके बारे में आप किसी में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे आने वाली वीडियोस इनको चीजों को डिस्क्राइब करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और कितना अच्छा इन्वेस्टिंग ऑप्शन है और आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा। अगर ये सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।